अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम। जैसा हम सभी जानते हैं, आज 26 जनवरी 73rd रिपब्लिक डे यौम जमहूरियत का आज जश्न मनाया जा रहा है पूरे मुल्क में। लेकिन कहीं तो भी एक दिलों में एक शक है, एक सवाल है कि क्या जो ख्वाब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस मुल्क को लेकर दिया था, क्या वो सही हो रहा है। आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, जनाब अलहाज फिरोज नूरुद्दीन सेठ साहब, हमारे सभी के मिले। तो सीधा सवाल सर आपसे कि जिस तरह से जो जश्न आज मनाया जा रहा है, मुल्क किस दिशा में जा रहा है, उसकी दशा क्या है, क्या वाकई जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो ख्वाब देखा था उस रास्ते पर चल पड़ा है। कहीं तो भी ऐसा लगता है कि दोगला रवैया इस मुल्क में अख्तियार किया जा रहा है, अंदर गोडसे है, बाहर महात्मा गांधी, तो ये धर्म संसद के नाम पर होगा। आप इसको पूरा तमाम तस्वीर को किस पस मंजर में देखते हैं? भारत देश एक मल्टीलिंगुअल, मल्टी रिलीजियस, प्लूरल सोसाइटी से बना हुआ एक वतन है, जिसका कल्चर और फाउंडेशन हज़ारों साल पुराना है। अलग अलग लोग आए, अलग अलग मज़हब आए, कुछ ने अपनाया, कुछ ने अपना मज़हब रखा, कुछ वापस चले गए, कुछ तब्दीली आई, लेकिन जो इथोस है कंट्री का, जो मिट्टी है यहाँ की, जो हम सबको बांध के रखती है, दैट विल नॉट चेंज। ये आप पीपल्स आर ट्राइंग टू चेंज, पीपल विल ट्राई, वो अपना उनका फ़ायदा देख रहे हैं, वो एक सियासी फायदे के चक्कर में है, उन्हें सिर्फ मकसद सत्ता की भूख है और सत्ता से आने वाली ताकत और ताकत से आने वाली दौलत, यही एक चक्कर, एक राउंड एंड राउंड 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 जो चला है वो दिख रहा है। लेकिन मैं सारी ज़िंदगी यहीं बड़ा हुआ हूँ और मैं दिल से ये कह सकता हूँ आपको आज के मेजर कम्युनिटी के बीच में बड़े प्यार से बड़ा हुआ हूँ। माइनर कम्युनिटी वालों ने बड़ा, बहुत ही लाड़ किया है मुझे, मुझ पर भरोसा किया है और वो वैसे ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। हाँ, एक बात है, हम इनकी बातों में आके बहकना, इनके प्रोपेगेंडा के शिकार बनना, ये क्योंकि जो नाकारा है, जो काम नहीं कर सकता, वो ऐसे बहाने ढूंढता है डाइवर्ट करने के लिए, और ये डाइवर्सनरी टैक्टिक है, उतना ही समझ के इसको छोड़ दीजिए। और ये जो ताकतें उभर रही है, इनको बड़े प्यार से जमहूरियत के सिस्टम से, आज रिपब्लिक है, आज का दिन रिपब्लिक डे है, तो एक डेमोक्रेटिक तरीके से जो मौके आपको मिलने वाले हैं, 2023 में भी मिलेंगे, 24 में भी मिलेंगे, हाँ, एक ही ग्रुप के चार लोग, एक वहाँ दिखेगा आपको, एक यहाँ दिखेगा, एक गाली देते दिखेगा, एक प्यार करता दिखेगा, ये यू क्लोज योर आइज टू दिस। आम लोगों को देखिए, आम लोग बड़े मासूम हैं, आपको वो उतना ही चाहते हैं जितना वो आप उनको चाहते हैं, और उसी वही मकसद से आज हम अंजुमन में जमा हुए हैं, टू कीप, बिकॉज वी बिलीव इन दिस सिस्टम, बिलीव इन दिस सिस्टम। कुछ लोगों ने कहा कि मैसेकर करेंगे, जेनोसाइड करेंगे, आज सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करके आज उनको अंदर भी तो रखी है ना, तो एक हमारी सॉलिड सिक्योर डेमोक्रेसी है। नहीं, वक्त भी तो लगा नहीं उनको गिरफ्तार करने में, काफ़ी दिन लगे, यति नरसिम्हानंद कई दिन तक खुला घूमता रहा सर वो। मेरी बात सुनिए, हम कभी भी एक बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, कभी भी एक बेनिफिट ऑफ डाउट हर एक को देते हैं, मुलजिम को भी देते हैं, मुजरिम को भी देते हैं, और ये बेनिफिट ऑफ डाउट देना, पूरी पक्की इंक्वायरी करना, क्योंकि उसका एडवर्स इफेक्ट भी ना हो, एडवर्स रिएक्शन भी ना हो, लोगों को भी कन्विंस करना, बार बार उसके बारे में डिबेट्स हुए हिंदुस्तान भर में, और आम तौर पर राय यही आई कि वो गलत थे, कि वो गलत थे, उन्होंने गलत बात की है, उनका अंजाम, उसका अंजाम से वो वाकिफ नहीं है, वो बेवकूफ़ लोग हैं, वो बात करते हैं, लेकिन सत्ता में बैठे हैं ना सर, सत्ता में उनको प्रोटेक्ट करने वाले बैठे हैं, और वो बैठे भी हैं तो हमारी भी कुछ गलतियां होंगी उसमें, जो उन तक, उनको वहाँ तक, सत्ता तक हमने पहुँचाया है उनको, और सत्ता से निकालने की ताकत भी तो आप और हम रखते हैं, हमारे जितने भी भाई हैं, जितने भी उन्होंने बातें की हैं, ये एक
इंटरनेशनल यूनाइटेड सेक्युलर कंट्री है और आज काम किसी का नहीं हो रहा तो बहाने बन रहे हैं। हाँ, कितने बहाने बनाएंगे, कब तक बनाएंगे? 2024 में ख़त्म हो जाएगा इसको। मैं अभी देख रहा हूँ सर कि आप सेक्युलरिज्म की बहुत सारी बातें कर रहे हैं लेकिन आपकी देशभक्ति पर भी तो सवाल उठाया जा रहा है और वही लोग जो सत्ता देखो ऐसे है, एक बात आपको बताओ, हमारे देशभक्ति पे किसी ने सवाल नहीं उठाया कभी भी। मुसलमानों को तो यहाँ से निकालने की बात हो रही सर, ऐसी बात नहीं है। कितने लोग बात कर रहे हैं जो सत्ता में बैठे हैं? नहीं छुने, वो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ऐसी बातों से खुश होते हैं। ये एनआरसी तो फेल हो गया, हो गया लेकिन आवाज हो गया ना। अरे उठी की तो दब भी तो गई ना, ख़त्म भी तो की गई है। यू डोंट वरी अबाउट इट, इतना भी आप क्यों फिक्रमंद होते हैं? है, हमारा आज वतन चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ है बॉर्डर्स पे और अंदर भी दुश्मनों में। जब किसी समाज एक तरफा निशाना बना जाता है, फिक्र की बात तो क्यों नहीं है सर? किसी समाज को निशाना बनाने की कोशिश है, हो रही है सर हर रोज, कोशिश हर रोज हो रही है मगर वो नाकामयाब कोशिश है। क्योंकि मेरे जितने हिंदू भाई हैं 95% वो मेरी हिफाजत करेंगे, ये मेरा यकीन है। लेकिन सवाल ये है कि जो अक्सरियत तबका खामोश है सर, खामोश है, वो आवाज़ नहीं उठा रहा। अरे काम करने वाला खामोश ही होता है, आवाज़ करता ही नहीं है। जो नकारा है वो काम बातें करता है, आवाज़ करता है। ये आपको बताऊं मैं, वो नकारा है, वो बक 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 बक, बक करते ही रहता है। अब उसकी क्या बात करना, आप देखते रहिए क्या हाल होगा। अभी 2 महीने की बात है, आहिस्ता से साफ होने लग जाएगा और सही मायने में उनकी घर वापसी शुरू हो जाएगी। हुकूमत पे आज भी वही है सर। अरे हुकूमत में आज है ना, तो उनको जाने का भी तो टाइम एक वक्त मुकर्रर है, टिल दैट टाइम एंड दे विल बी सेंट बैक, डोंट वरी। अच्छे लोगों से भरा हुआ है हिंदुस्तान, डोंट वरी। ये जात पात मजहब मजहब में मानने वाले लोग बहुत कम हैं, बहुत कम, बहुत कम हैं। उसी लिए तो आप और हम बड़े हुए हैं इतने यहाँ पर। संविधान को बदलने की कोशिश चल रही है, संविधान को बदलने की कोशिश है, इम्पॉसिबल है। कोशिश करना भी तो बहुत बड़ी है, जब कोशिश करना हर एक को लगता है कि उसका हक है एक डेमोक्रेसी में, बराबर है। अब उसका पॉइंट ऑफ व्यू है वो कि भाई फलाना फलाना। आपको याद होगा मैं 5 साल पहले 6 साल पहले मरहूम अंगड़ी साहब भी स्टेज पे थे, हमने कहा था कि भाई गांधी जी को टेररिस्ट बोला जाएगा और गोडसे जी को महात्मा बुलाया जाएगा, आपको याद है? वो हो रहा है, वो हो रहा है, वो ख़त्म भी हो जाएगा। यू डोंट वरी अबाउट इट सो मच, क्यों डरते हो? तो कोई मारने आएगा तो बाकी सब बैठे रहेंगे क्या, आओ मारो करके? ठीक है 10 लाख को मारना चाहिए 10 लाख दे देंगे, मार लीजिए, उसके बाद में क्या होगा? डोंट वरी। ये थे जनाब फिरोज नूरुद्दीन सेठ साहब, उन्होंने आज 26 जनवरी के मौके पर यौम जमहूरियत का वास्ता देते हुए कहा कि किसी तरह की डरने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इस मुल्क में तब्दीली आने वाली है और बहुत जल्दी आने वाली है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।